आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में महंगाई की मार से जनता का हाल बेहाल है। भले ही सरकार दूसरे देशों के आंकड़े पर भारत में कीमतें कम होने का दावा कर रही है, लेकिन बीते एक साल में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में आई तेजी ने लोगों की जेब पर बड़ा खर्च बढ़ा दिया है। आटा, दूध, दालों की कीमत हो या फिर खाने के तेल या पेट्रोल डीजल के दाम, साल भर में इनमें बड़ा अंतर देखने को मिला है। महंगाई का मुद्दा न केवल आम जनता के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी सबसे ज्यादा अहम रहता है। वर्तमान में इसे लेकर सड़क से संसद तक बता हंगामा जारी है। आरबीआई ने रेपो दर को लगातार दो बार बढ़ाया और फिर बढ़ोतरी की तैयारी में है। तो चालू मॉनसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन महंगाई की मार के बीच सरकार का कहना है कि देश में जरूरी सामानों की कीमतों में कमी आ रही है। वहीं भारत की खुदरा महंगाई दर में जून 2022 में गिरावट जरूर आई है, लेकिन लगातार छठे महीने आरबीआई के तय मानकों से ये ऊपर बनी हुई है। जून में खुदरा महंगाई मुद्रास्फीति 7.01% रही, जो मई महीने में 0.3% कम है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही थी, अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही थी। खाद महंगाई दर जून में 7.75% रही, जो मई में 7.97% थी। आम आदमी पर महंगाई की मार किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा आटे की बढ़ती कीमतों को देखकर लगाया जा सकता है। लोगों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। देश में गेहूं की बंपर पैदावार के बाद भी आटे की खुदरा कीमत 12 वर्ष के उच्च स्तर पर है। एक साल में ही आटे का दाम 9.15% तक बढ़ चुका है। बीते 7 मई 2022 में जारी नागरिक आपूर्ति विभाग की जारी आंकड़े देखें तो गेहूं के आटे का औसत खुदरा मूल्य 32.78 रुपये प्रति किलोग्राम था। पिछले साल की समान अवधि में ये कीमत 30.03 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहीं रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो इनमें कीमतों में साल भर में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 200 रुपये प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक साल पहले दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 834.50 रुपये थी, जो फिलहाल 1053 रुपये पर आ गई है। वहीं सोमवार 1 अगस्त को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 36 रुपये घटाए गए हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 31 जुलाई 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये और डीजल 79.87 रुपये प्रति लीटर पर था। हालांकि फिलहाल अभी भी कीमतें इसी के आसपास बनी हुई है। वहीं खाने के तेल की कीमत भी बीते एक साल में जोरदार में इजाफा हुआ है। हालांकि सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए और कंपनियों को निर्देश भी जारी किए। इसके बाद कुछ नरमी देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पाम तेल की कीमत जून में 156.02 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होकर जुलाई में 143.81 रुपये प्रति किलो हो गई है, लेकिन इसका खुदरा भाव अभी भी साल भर के 131.09 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 9.70% ज़्यादा है। वहीं सोयाबीन ऑयल की बात करें तो एक महीने में ये 169.07 रुपये प्रति किलो से कम होकर 164.43 रुपये पर आ गया है, लेकिन पिछले साल की समान अवधि में 148.82 रुपये प्रति किलोग्राम से ये अभी भी 10.49% अधिक है। भारत में थोक दूध की कीमतों में वार्षिक आधार पर 5.8% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ पिछले 5 महीनों का ही आंकड़ा देखें तो देश में डेयरी कंपनियों ने दूध की बिक्री कीमतों में लगभग 5-8% की तेजी दिखाई है। वहीं अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों के बीते एक साल में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए। इसके अलावा सब्जियां की कीमत भी तेज देखने को इसमें मिली है। वहीं टमाटर की कीमतें तो सुर्खियों में आ गई थी। कुल मिलाकर सरकारी आंकड़े देखें तो खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।